हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सुबह सुबह घर की ओर पहुंच चुके हैं और थोड़ा फ्रेश नहीं हुए थे तो ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी मैं जस्ट घर के पास पहुंच चुका हूं और अभी सब अपना अपना काम बिजी हैं, तो अभी इधर छोटे छोटे बच्चों से मिलवाते हैं आपको। तो हेलो हेलो रिया, देख सकते हैं ये हम लोग की रिया है। टकली हो गई है, इसका बाल झड़ रहा था शायद, इसको उड़ा दिए हैं बाल को। आप इधर कुछ फर्स्ट मिलो। हेलो कुसुम, कैसा लगा घर आके? गुड मॉर्निंग सभी। तो हम सुबह सुबह आ गए और हम देसी दतून कर देसी दातुन कर रहे हैं, देसी दातुन का मजा ले रहे हैं। कभी कभी ये भी मजा लेना तो चाहिए। फ्रेंड्स, गांव में जानते थे हैं कि दतून वगैरह यूज होता है, तो पुष्पा दतून कर रही है। और इधर सानिया से मिलो, देखो सानिया ये मॉडल गर्ल, जैसे देख सकते हैं मॉडल गर्ल भी ब्रश कर रही है, दतुन का यूज नहीं कर रही है। सब बड़े बड़े हो सब बड़े बड़े जाएंगे। हो गए हैं और सब ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो देख सकते हो मम्मी भी आ गई है अभी, देख सकते हैं महुआ उठा करके, देख सकते हैं हल्दी मुंडा महुआ, थोड़ा सा महुआ बचा है और मम्मी उठाए खिला रही है। और जैसे बहुत दिन से मिल रहे हैं मम्मी से, अच्छा लग रहा है। और महुआ बहुत दिन के बाद मैं देख रहा हूँ, कहीं कि लास्ट टाइम मैं भी महुआ उठाता था लेकिन इस बार नहीं उठाया हूँ, अच्छा लग रहा है। सूखा है क्या यार? मोहना बता दो, चमके मेला पै रही है माहौल लड़के। तो फ्रेंड्स, महुआ को सूखा करके मम्मी रखी है, तो रात को उसको उबालेंगे और कल खिलाते हुए खाते हुए दिखाऊंगा आपको और कैसा लगता है महुआ, बताओ। और फ्रेंड्स, हल्दी मुंडा का मौसम बेहतरीन है, पूरी तरह से बादल छाया गया है और शायद बारिश होने ही वाली लग रहा है। और रायपुर में इतना ज़्यादा धूप है कि पागल हो जाता है अभी तक, धूप इतना कड़कड़ धूप आ जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो हल्दी मुंडा में आज पहुंच गया हूं और आ गया हूं तो बादल छाया हुआ है, दिखाता हूँ थोड़ा सा। देख सकते हैं हम लोग का चुनमुन, और ये देख सकते हैं मौसम। और मम्मी को मैं बोला था जो महुआ को उबाल करके खिलाएगी, तो देख सकते हैं कि इमली का बीज को निकाल रही है, उसके बाद इमली का बीज को उसमें मिला करके महुआ को उबाल देगी। खाने में अच्छा लगता था पहले, और अभी तो बड़े हो गए हैं और महुआ बहुत दिन से खाए नहीं, तो सोच रहा हूँ आज देख सकते हैं इमली का बीज निकलवा रहा हूँ, उसके बाद में इसको शाम को उबलवाऊंगा और कल खाएंगे, कल खाते हुए दिखाऊंगा आपको फ्रूट। और हमारा जो बागान है उसको देख सकते हैं, पप्पा इधर ही पानी से पटाता रहता था, पानी देते रहता था, उसको बनाता था ब्लॉग वगैरह। तो थोड़ा सा बागान को दिखा देता हूँ, जो कि पप्पा नहीं है तो फिर अभी हरा भरा बिल्कुल ही नहीं है। देख सकते हैं ये पापा का ही जगाया हुआ, ये सबको पापा ही जगाया था और अभी लास्ट हो ही गया है। पापा जगा करके चले गए अपने देश, अपना घर। तो फ्रेंड्स, जो बगान देख रहे हो कितना हरा भरा लग रहा था, और अभी थोड़ा मुरझा गया है, और पापा ही जगाए हुए हैं सबको। ये लास्ट सीन है पापा का, उसके बाद हम लोग खुद से लगा कर खाएंगे। पापा का जो भी सीन है बगान का लास्ट है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू करना, और आज कुछ कुछ प्रोग्राम होगा, और आज और कल जो बाबा बाबा त्यौहार आ रहा है, जो कि जो भी पापा लोग हैं उनका त्यौहार आ रहा है, तो उनका प्रोग्राम होगा। तो आज हो सके तो चर्च जाऊँगा मैं भी, क्योंकि मैं भी शादी कर चुका हूँ, तो फिर मेरा भी होगा वहाँ पे, बिंदु पास बोलते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा और जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। कंटिन्यू करना और देखते रहना मेरे ब्लॉग्स, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और शेयर कर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।